तो आज मैं जा रहा हूँ जंगल बीच, और ये जंगल बीच फेमस है इसलिए, लाइक फॉर इंडियंस के लिए ये फेमस है। क्यों? क्योंकि जब रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे वाइल हैविंग वॉर, तो हनुमान जी को भेजा गया था कि संजीवनी बूटी वो लेके आए, और वहाँ जाके वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी संजीवनी बूटी है और कौन, मतलब कि वो कंफ्यूज हो गए थे एक्चुअली। तो उन्होंने वो पूरा पर्वत उठा लिया था और वो यहाँ ला के रखा था इन द जंगल बीच। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसा है वो पर्वत और उसके थोड़े नज़ारे लेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, आई विल गेट बैक। एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करो तो सबसे ज़्यादा अपने पासपोर्ट का ध्यान रखो, यानी कि खुद से भी ज़्यादा अपने पासपोर्ट का ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ है, जो अभी जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, एक लड़की वहाँ से इंग्लैंड से थी और उसने अपना पासपोर्ट खो दिया था। तो इन द सेंस के मतलब कि हॉस्टल में ही खो दिया था, कहीं रख के वो भूल गई थी। वो तो शुक्र है कि उस हॉस्टल ऑनर ने उसे उठा के सेफ जगह पे रख दिया, और वो बाहर चली गई थी घूमने के लिए। और जब वो आई तो उसने अपना पासपोर्ट ढूंढा, उसे नहीं मिला। तो जो हॉस्टल का ऑनर था उसने बोला कि आई हैव योर पासपोर्ट, तो उसने उसे दे दिया। तो अगर मान के चलिए अगर आपसे खो जाए तो आप देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है यहाँ पर, आपको बार बार इंडियन एम्बेसी जाना पड़ेगा यहाँ से, मतलब कि बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो। सो प्लीज़ ऐसी गलती कभी मत करना, और ख़ुद से भी ज़्यादा अपने पासपोर्ट का ध्यान रखना। सो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं जंगल बीच में। मैं पहुंच गया हूँ जंगल बीच, और आपको वो प्लेस दिखानी थी मैंने जो हनुमान ने जो पर्वत उठाया था। जैसे कि हम टीवी में देखा करते थे कि छोटा सा पर्वत दिखाया जाता था हनुमान के हाथ में, बट वो छोटा नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप जितनी भी पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना, वो सारी की सारी उठाई थी उन्होंने। ये वाली जो मेरे पीछे अभी चल रही है बैकग्राउंड में, वो सब उन्होंने उठाई थी अपने हाथों से। तो टीवी में अक्सर फेक दिखाया गया है, और यहाँ आके मैं खुद हैरान हो गया था कि इतना बड़ा पर्वत। सो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा है। सो मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा दूंगा, स्टे कनेक्टेड। ये जितना भी पर्वत उठाया गया है ये सब हनुमान जी के द्वारा ही उठाया गया है। ये वहाँ से लेके यहाँ तक सब जितना भी टोटल है, और ये वाला मेन पर्वत है। और इस पर्वत की कहानी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पीछे अभी जो पर्वत है वो उसी पर्वत से हनुमान जी को संजीवनी बूटी प्राप्त हुई थी। बाकी उठाया उन्होंने ये सारी, मतलब कि जितनी भी मैंने अभी आपको पहाड़ियाँ दिखाई वो सारी उनको द्वारा उठाई गई थी, बट उनको मिली थी जो संजीवनी बूटी वो इस पर्वत के ऊपर से मिली थी। तो ये पर्वत बहुत ही ज़्यादा मेन है, और इसके ऊपर मंदिर है। मैं मंदिर पर आपको जाके उसका व्यू दूंगा एक बार। सो स्टे कनेक्टेड, आई विल गेट बैक। एक बात और कहनी थी कि ये बहुत ही कम जगह देखा जाता है कि जहाँ पे इंडियन संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, और ऐसा ही कुछ श्रीलंका में है। यहाँ पे ये पहाड़ है, इनको एज इट इज़ वैसा ही रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि आज से बहुत साल पहले था। और ये बात मुझे सुन के और देख के बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि कई जगह पे होते हैं कि जैसे इंडियन से कोई वॉर हो गया तो वहाँ की जो उनकी संस्कृति होती है उनके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना अच्छा। फाइनली मैं पहुंच ही गया हनुमान मंदिर, और ये सच ही कहा है किसी ने कि इंडियंस जहाँ भी होते हैं अपनी डेस्टिनेशन ज़रूर ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है आज। मैं हनुमान मंदिर कम से कम 2 घंटे से ढूंढ रहा था,
ऑन द जंगल बीच, बट मुझे ये मिल नहीं रहा था। गूगल पे भी लोकेशन मैंने डाली बट कुछ मतलब कि हेल्प ही नहीं मिल रही थी कि कहाँ से कैसे जाऊँ क्या करूँ। फिर यहाँ पे मैंने कम से कम 200 श्रीलंकन से पूछा लोगों से कि भाई कहाँ पे हो सकता है ये मंदिर, बट कुछ को इंग्लिश नहीं आती थी और कुछ को आती भी थी तो उनको नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में कि कहाँ पे हो सकता है ये मंदिर। तो सडनली मुझे एक इंडियन मिले, इंडियन जो कि एक शॉप में थे और वो हिंदी गाना सुन रहे थे। मैंने हिंदी गाना सुना और मैं तुरंत उस शॉप में गया। मैंने पूछा भाई आर यू इंडियन, उसने कहा यस आई एम इंडियन। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं हनुमान मंदिर जाना चाहता हूँ कैसे जाऊँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले तो बिठाया उन्होंने मुझे और पानी पूनी पिलाया, जो भी हॉस्पिटैलिटी होती है जो भी इंडियन में होता है अपने, वो सब उन्होंने किया। फिर उसके बाद वो मुझे हनुमान मंदिर तक छोड़ के आए। लाइक 400 मीटर दूर था मैं हनुमान मंदिर से और वो लोकेशन मुझे मिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की लोकेशन थोड़ी ऑफ है आई थिंक तभी। तो यहाँ पे मुझे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है इस मंदिर पे आके। और ये मंदिर छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बस हमारी जो कल्चर है जो हमारी संस्कृति है वो यहाँ पे अभी तक जिंदा है। इस चीज़ को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज। तो स्टे कनेक्टेड, मैं आपको इसका हनुमान मंदिर का एक व्यू दूंगा, उसे ज़रूर देखना। सो स्टे कनेक्टेड, आई विल गेट बैक। मंदिर के पुजारी से बात की, उनसे मैंने पूछा कि कितने इंडियंस आते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत ही कम इंडियंस आ पाते हैं दर्शन के लिए। उन्होंने मुझे बोला आप बहुत लकी हो जो आपको इसके दर्शन मिल गए। तो मैं उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, आई कांट एक्सप्लेन कि मैं कितना खुश हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करेगा ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।